हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बच्चों, आज हम कक्षा सातवीं का जो पाठ 15 है, नीलकंठ, तो इसका प्रश्न अभ्यास भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। तो नीलकंठ कहानी हम पढ़ चुके हैं और भाग 1 भी हम कर चुके हैं। तो आज हम नीलकंठ पाठ का प्रश्न अभ्यास भाग 2 करने जा रहे हैं। तो भाग 2 में हम बच्चों रेखा चित्र से के 6 प्रश्न तो हम पहले कर चुके हैं। अब हम इसका 7वां प्रश्न भाग 2 के अंतर्गत करने जा रहे हैं। तो भाग 1 में आपने 6 प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ लिए होंगे और उन्हें अपनी कॉपी में भी अच्छे से उतार लिया होगा बच्चों। तो अब हम रेखा चित्र से का जो 7वां प्रश्न है उसे पढ़ेंगे, उसकी ओर जाएंगे। तो उसका 7वां जो प्रश्न है भाग 2 का, नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से किस तरह बचाया? इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर बच्चों इस प्रकार आएगा। एक दिन एक सांप ने खरगोश को निगलने का प्रयास किया। खरगोश के बच्चे के मुंह से धीमी आवाज में निकली ची ची चौकन्ने मोर के कानों में पहुंच गई। वह फुर्ती से वहां आया और अपनी बुद्धिमानी से खरगोश के बच्चे को सांप के मुंह से बचा लिया। नीलकंठ के स्वभाव की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। कौन कौन सी है बच्चों? वह संरक्षक है, फुर्तीला है, बुद्धिमान है, बहादुर है और चौकन्ना है। तो इस तरह की विशेषताएं नीलकंठ की बताई है। तो बच्चों अब अगला भाग लेते हैं निबंध से आगे का। प्रश्न नंबर 1, यह पाठ एक रेखा चित्र है। रेखा चित्र की क्या क्या विशेषताएं होती है जानकारी प्राप्त कीजिए और लेखिका के लिखे किसी अन्य रेखा चित्र को पढ़िए। तो इसका उत्तर है बच्चों, रेखा चित्र एक सीधी कहानी ना होकर जीवन के कुछ मुख्य अंश प्रस्तुत करती है। यह एक सीधी सादी कहानी नहीं होती, बल्कि संपूर्ण जीवन की छोटी बड़ी घटनाओं का समावेश होता है। रेखा चित्र में भावात्मक और संवेदना होती है। ये अत्यंत स्वाभाविक और सरल होते हैं। इनमें बनावट लेश मात्र भी नहीं होता। अन्य रेखा चित्र अगर महादेवी वर्मा के आप पढ़ना चाहते हैं तो बच्चों जो उनका संग्रह है उससे आप पढ़ सकते हैं। तो हमने रेखा चित्र के बारे में जब पाठ शुरू किया था तब भी जाना था कि रेखा चित्र गद्य की ही एक विधा होती है। इसमें किसी वस्तु घटना का या किसी भी पशु या जानवर का मर्म स्पर्शी वर्णन किया जाता है। तो ये बच्चों हमने पाठ के प्रारंभ में भी जाना था कि रेखा चित्र किसे कहते हैं। तो अभी हमने इसको और विस्तृत रूप से जाना है। तो आप अब रेखा चित्र के बारे में समझ गए होंगे कि रेखा चित्र क्या होता है और इसमें कौन कौन सी बातें आती है। तो बच्चों ये आपको इसके प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब बच्चों आगे चलते हैं। अगला भाग है हमारा अनुमान और कल्पना। उसका पहला प्रश्न है, निबंध में आपने ये पंक्तियां पढ़ी है, मैं अपने शॉल में लपेट कर उसे संगम ले गई। जब गंगा की बीच धार में उसे प्रभावित किया गया तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। इन पंक्तियों में एक भाव चित्र है, इसके आधार पर कल्पना कीजिए और लिखिए कि मोर पंख की चंद्रिका और गंगा की लहरों में क्या क्या समानताएं लेखिका ने देखी होगी जिसके कारण गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर पंख के समान तरंगित हो उठा। तो बच्चों आओ इसका उत्तर जानते हैं। जब गंगा के बीच धार में नीलकंठ को प्रभावित किया गया
तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। गंगा और यमुना के श्वेत श्याम जल का मिलन प्रातःकाल के सूर्य की किरणों में जब सतरंगी दिखाई देता है तो दूर दूर तक किसी मयूर के नृत्य का दृश्य प्रस्तुत करता है जो अत्यंत लुभावना व मनमोहक होता है। गंगा की लहरों के हिलने डुलने में मोर के पंखों की थिरकन का आभास होता होगा। जिस तरह से मोर नाचता है, थिरकन थिरकन उसकी होती है मोर के नृत्य की, तो वैसा ही कुछ लहरों में भी समानता लेखिका को लगी, इसलिए उन्होंने शायद ऐसा कहा। तो बच्चों अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, नीलकंठ की नृत्य भंगिमा का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। अब इसका उत्तर इस तरह आएगा बच्चों, मेघों के गिरते ही नीलकंठ के पांव थिरकने लगते हैं, जैसे जैसे वर्षा तीव्र से तीव्रतर होती उसके पांव में शक्ति आ जाती और नृत्य तेजी से होने लगता जो अत्यंत मनोहारी होता। नीलकंठ के पंख फैलाते ही इंद्रधनुष का दृश्य साकार हो उठता। इंद्रधनुष तो बच्चों आपने देखा होगा, तो ऐसा लगता जब वो नृत्य करता जैसे सामने कोई इंद्रधनुष दिख रहा हो। उसकी तरह रंग, कई तरह के रंग उसके पंखों में नजर आते थे जब नीलकंठ अपना नृत्य आरंभ करता था। तो बच्चों उसके नृत्य की ये भंगिमा का शब्द चित्र हमने प्रस्तुत किया है, तो ये आपको समझ आया होगा। तो अब बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा भाषा की बात। इसका पहला प्रश्न है, रूप शब्द से कुरूप, स्वरूप, बहुरूप आदि शब्द बनते हैं, इसी प्रकार नीचे लिखे शब्दों से अन्य शब्द बनाओ। गंध, रंग, फल, ज्ञान। अब बच्चों इसका उत्तर इस प्रकार आएगा, गंध से शब्द बनाते हैं सुगंध, दुर्गंध, गंधहीन। तो किसी में उपसर्ग लगा हुआ है, किसी में प्रत्यय, जो हम कई बार पढ़ चुके हैं। रंग, रंगना, रंगीला, निरंग, नौ रंग। फल, सफल, फलदार, फलित। ज्ञान, अज्ञान, ज्ञानवान, अज्ञानी। तो बच्चों आप अपनी तरफ से भी और शब्द का निर्माण कर सकते हैं। अब चलते हैं बच्चों भाषा की बात का जो दूसरा प्रश्न है, विस्मय अभिभूत शब्द विस्मय और अभिभूत दो शब्दों के योग से बना है, इसमें विस्मय के यौ के साथ अभिभूत के मिलने से या हो गया है, ओ आदि वर्ण हैं। ये सभी वर्ण ध्वनियों में व्याप्त हैं, व्यंजन वर्णों में इसके योग को स्पष्ट रूप से देखा जाता है, जैसे को जमा ओ बराबर है को इत्यादि। तो बच्चों पता है आपको, व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए ऐसा लिखा है। ओ की मात्रा के चिन्ह चिन्ह दिया हुआ, देखो से आप परिचित हैं। ओ की भांति किसी शब्द में आंखें भी जुड़ने से आकार की मात्रा लगती है, जैसे मंडल जमा आकार मंडलाकार। मंडल और आकार की संधि करने पर, संधि मतलब जोड़ने पर मंडलाकार शब्द बनता है, और मंडलाकार शब्द का विग्रह, विग्रह होता है अलग करना, तोड़ना। मंडल और आकार दोनों अलग होते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के संधि विग्रह कीजिए, किसी का आपने मेल करना है और किसी को अलग करना है। अब जैसे इसमें दिया हुआ है, पहला क्या दिया हुआ है, नील जमा आप, तो इसमें हमने संधि करनी है, इसका मेल करना है बच्चों। तो ये क्या बन जाएगा, नीलाभ। अब आगे क्या दिया हुआ है, नव जमा आगंतुक, इसका भी हमने संधि करना है, मेल करना है, नव आगंतुक बन जाएगा। और ये पाठ में पढ़ते हुए भी आए हैं शब्द। आगे सिंहासन, इसमें विग्रह करना है, यानी कि ये शब्द इकट्ठे हैं, इनको अलग करना है।
सिंह जमा आसन, फिर है मेघाचन मेघ जमा आचन।